छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दर पर मिलने वाली 30% छूट को हटा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। साथ ही शराब के प्राइस बढ़ाए जाने पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। दरअसल कांग्रेस की सरकार में जमीन की गाइडलाइन दर पर 30% की छूट मिलती थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने इसे हटा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को गरीबों की जमीन खरीदे जाने पर तकलीफ है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि कुछ पूंजीपति ही जमीन को खरीद सके। साथ ही उन्होंने शराब के प्राइस बढ़ाए जाने पर भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा का चरित्र महिलाओं के सामने स्पष्ट हो चुका है। भाजपा को ना महिलाओं की चिंता है, ना ही जनता की चिंता है। भाजपा को केवल कमाई और कमीशन की चिंता है। पहले जमीन में 30% छूट मिलती थी, अभी भाजपा की सरकार में उसे हटा दिया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो गाइडलाइन जो दर होता है जमीन का, उसमें रजिस्ट्री के दौरान 30% छूट मिलता था। उससे गरीब आदमी, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खोमचा वाला, पान ठेला वाला, मध्यम वर्गीय के जमीन खरीदने का सपना पूरा हुआ था। वो जमीन खरीद के मकान बनाने के उनके जो सपने थे उसको पूरा किया गया था। भाजपा की सरकार बनते उस 30% छूट को हटा दिया गया है। स्पष्ट समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों के जमीन खरीदने में तकलीफ है। भाजपा चाहती है कि कुछ पूंजीपति लोग ही जमीन खरीदे, इसलिए इस छूट को हटा दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करना है। जो भाजपा विपक्ष में रह के शराबबंदी पर सवाल उठाती थी, शराबबंदी के लिए मांग करती थी और शराबबंदी के लिए आंदोलन करती थी, आज वो भाजपा का चरित्र महिलाओं के सामने पर्दाफाश हो गया है। शराब के दाम बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमाई करना चाहती है। उनको ना तो महिलाओं की चिंता है, ना अपने आंदोलन के प्रति वो जागरूक है या आप ईमानदार हैं। आज जनता देख रही है कि शराबबंदी की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब में कमाई करने के लिए शराब का टारगेट कैसे बढ़ा रहे हैं। घर घर शराब पहुँचाने की स्कीम भारतीय जनता पार्टी है। आहता खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आहता का लाइसेंसीकरण किया जा रहा है, आहता में सुविधाएं बढ़ाई जा रही ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी सके। ये भाजपा का चरित्र है। भाजपा कभी भी ना तो महिलाओं की चिंता करती है, ना किसानों की चिंता करती है। भाजपा को कैसे कमीशन मिलेगा, कैसे भ्रष्टाचार होगा, इसकी ज़्यादा चिंता रहती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं सुरमे टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।